अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। भाई साहब, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच टोस्ट, जिसके लिए हमने एक बाउल में प्रोफेशनल तरीके से दो अंडे तोड़ लिए हैं। आज एक्चुअली हम जल्दी उठ गए हैं तो ब्रेकफास्ट हमें नसीब हो रहा है। वैसे तो हम ब्रंच में ही दोनों चीज़ें भुगता लेते हैं, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक ही में चल जाता है। भाई कफायत चार लोग हैं हम, तो आज हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। हमने तकरीबन 2 से 3 चम्मच शुगर ऐड कर ली है अंडों के अंदर। हम आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने 2 से 3 चम्मच इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करनी है, और अगर हमारे पास क्रीम नहीं होगी तो हम उसकी जगह दूध के ऊपर से मलाई भी चोरी कर सकते हैं। अपने आपस की बात है भाई, जुगाड़ लगाना सीखो। और उसके बाद हमने इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप दूध ऐड कर लिया है और इसको अच्छी तरह से फेंटा लगाना है। वैसे आपस की बात बताऊँ तो ये मेरा ब्रेकफास्ट नहीं है, आज घर वालों ने डिसऑन कर दिया है क्योंकि आज थोड़ा सा लेट उठ गए हैं। उन्होंने कहा है कि नाश्ता नुश्ता कोई नहीं है, आप पे जाके बनाओ। तो फिर हमने खुद ही उठ के किचन संभाला, वरना घर से बेघर कर दिए जाते। तो सबसे आसान हमने सोचा क्या है बनाना, तो सबसे आसान तो फ्रेंच टोस्ट ही है, और ये है भी इतना हेल्दी और फुलफिलिंग कि भाई शाम तक रोटी का इंतज़ार हो सकता है इसको खा के। तो हमने स्लैब साफ़ करके 2 पीस लिए ब्रेड के, और उसके किनारों को हम लोगों ने उतार लिया, और ये किनारे हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, राइट, जो कि आप मेरी अगली किसी रेसिपी में देख सकते हैं। जब तक मैं अपना काम कर रही हूँ तब तक आप अपना काम करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा के, भाई फ्री है वो, उसको आप दबा के सब्सक्राइब करें और घंटा भी बजा दें ताकि अगली वीडियोज़ जो हैं वो डायरेक्ट आप तक आ सकें, कोई वचोला ना डालना पड़े हमें बीच में, राइट। अपना रिलेशन हम बिल्कुल डायरेक्ट सीधा रखें। अब हमने प्लेट के अंदर 2 स्लाइस रख के उसके ऊपर हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्सचर जो है वो डाल देना है, ताकि हमारे जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो अच्छी तरह से डिप हो जाएं। साइड बाय साइड हमने एक पैन लिया है, और कोशिश कीजिएगा नॉनस्टिक पैन हो, नहीं तो दूसरा भी हो तो चलेगा यार, खैर होगी। फ्रेंच टोस्ट एक्चुअली इट्सेल्फ एक कंप्लीट मील है, क्योंकि हम जो ब्रेड यूज़ करें उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, जो हम लोग एग्स यूज़ करें अंडे उससे हमें प्रोटीन मिल रही है, जो हमने दूध इस्तेमाल किया उससे हमें कैल्शियम मिल रहा है, और जो ब्रेड है उसमें कुछ फाइबर्स मौजूद होती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। सो इट्सेल्फ ये कंप्लीट मील है। इसको हम मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए चीनी की जगह पे शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सी, पैन में मैंने बिल्कुल 2 से 3 चम्मच ऑयल लिया है, ताकि भाई साहब हमारा जो हेल्दी है वो हमारे गले ही ना पड़ जाए, राइट। अब हमने जो 2 पीस डिप किए थे अपने मिक्सचर में, उनको हम लोगों ने पैन के अंदर रख दिया, और इंतज़ार करना है कि इसकी एक साइड ब्राउन हो जाए। इसमें आप फ्रूट्स, नट्स, चॉकलेट सिरप या कोई भी फ्लेवर का सिरप यूज़ करके फ्लेवर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए ऑब्वियसली इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इवनली हमने इसकी तमाम साइड्स को ब्राउन कर लेना है, और इसके जो किनारे हैं उसको भी इस तरह से हमने अच्छी तरह से पका लेना है। ये जो हमने मिक्सचर बनाया था इससे मैंने तकरीबन 3 और फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, राइट, क्योंकि जितना ज़्यादा हम मिक्सचर यूज़ करेंगे उतना ही टेस्टी होगा। बाकी बनाने को हम इसे 10-11 भी बना सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी अपनी कि कितना आपको मिक्सचर रिक्वायर्ड है, राइट। और तकरीबन हमारा फ्रेंच टोस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेट्स डिश इट आउट। हमने इसको डिश आउट कर लिया, और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कोई भी चॉकलेट सिरप, कोई भी स्ट्रॉबेरी सिरप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास क्रीम अवेलेबल थी तो इसके ऊपर मैंने क्रीम ऐड कर दी, एंड साइडों पे मैंने अपना फेवरेट फ्रूट काट के डाल दिया, बिकॉज भाई घर से तो इज्जत हो गई थी, बाकी खाना हमारा तो मूड अच्छा कर देता है। वो बात हमारे लिए बनी है कि हमारे दिल का रास्ता हमारे पेट से होके जाता है, और हम अपने नखरे नहीं उठाएंगे तो किसी के नखरे क्या हाक उठाएंगे, राइट। इसके साथ साथ हमने चाय भी बनाई थी, भाई पूरा प्रोटोकॉल दिया था अपने आप को, और सबसे पहले हमने अपने मास्टर शेफ़ को चेक करवाया था ऑब्वियसली, क्योंकि वो कब से इंतज़ार कर रहा था।
और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को भी एंड करती हूँ। होप यू ऑल इन्जॉयड द वीडियो, और फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिएगा सब्सक्राइब लाइक कमेंट वाली। और ये खाने के बाद जो हैप्पी डांस है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई वर्थ इट था टाइम अपना इन्वेस्ट करना। तो जब भी आप ट्राई करेंगे डू लेट मी नो। टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़। Ah, 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 ah